जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे डे 42 का पार्ट सेकंड सीखेंगे, प्रश्नावली 8.1 के। आज की जो तीन प्रश्न सिखाऊंगा, तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 100 डे टारगेट में इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना है। तीन क्वेश्चन सीखेंगे, प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5। आज के तीनों क्वेश्चन अपन सीखेंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम आए हो, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज के टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने इस वीडियो में 8.1, 8.2, 8.3 के फॉर्मूले सिखाए हैं। अगर आपने मेरी वीडियो फॉर्मूले से नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से वीडियो को आप देख सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर में बिना फॉर्मूले के आप एक भी क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूले वीडियो को देखना, तो आपको फॉर्मूले याद होते हैं तो अच्छी बात है, अगर पहले से याद होते हैं तो अच्छी बात है, फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो मेरी वीडियो को देखना, उससे फॉर्मूले को आप याद करना। आज के टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। तो सेम 8.1 के सेम टॉपिक हैं। पिछली वीडियो अपन ने यही सीखा था कि अपन को कोई दो व्यक्ति को मान दे रखे थे, तीसरे व्यक्ति का मान निकाल रहे थे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। इस बारे में वही बोला है, क्या बोला है, साइन ए बोला है 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। आपको साइन ए का मान 3/4 दे रखा है, समकोण त्रिभुज बनता है, दो व्यक्तियों का मान दे रखा है, तीसरे व्यक्ति का मान निकाल लेंगे, उसका मान निकालने के बाद आप कॉस का मान और टेन का मान आप ज्ञात कर सकते हो। अब कैसे करो, ध्यान से आप देखना। पहले आप बनाओ समकोण त्रिभुज, कौन बनाओगे, समकोण त्रिभुज। तो जो आपने कौन बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया, नाम दे दिया ए वी, ये समकोण बन गया, इसको नाम दे दिया सी। अब क्या करोगे, आगे ध्यान से देखो, लिखोगे आप दिया है, क्या लिखोगे आप, दिया है, तो आपने कौन लिखा, दिया है, कॉमा लगाया। अब कौन दे रखा है, साइन ए बराबर 3/4, कौन दे रखा है आपको, साइन ए बराबर 3/4। दोबारा फिर लिखा एक बार और आपने, साइन ए बराबर 3/4। आपको साइन का सूत्र याद होगा तो ही आप प्रश्न को आगे हल कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आपको आप दिख रहा होगा सर कि हम, और आपको यह पता होना चाहिए कि 90 के सामने समकोण होता है, 90 के सामने कौन होता है, कर्ण होता है, और जो थीटा, यहां थीटा समझने के लिए होता है, थीटा के सामने कौन होता है, लंब होता है, और बचा हुआ होता है वो कौन होता है, आधार होता है, ये कौन होता है, आधार होता है, ये कर्ण, लंब और आधार। अब आपको दिख रहा होगा कि लंब का मान कौन, 3 के बराबर है, तो लंब किसके, 3 के बराबर है, तो लंब का मान कौन हो जाएगा, 3। तो अब लंब में कौन लिख दोगे, 3 लिख दोगे। आपको दिख रहा होगा कर्ण किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो कर्ण का मान कौन हो जाएगा, 4। तो अब कर्ण कौन लिख लोगे, 4। आपको कौन निकालना है, आधार, कौन निकालना है, आधार यानी ए बी का मान निकालना है, किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ही आप ए बी का मान निकाल सकते हो। आगे लिखोगे अब, क्या लिखोगे, अब समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए वी सी में और कोण, और कोण कौन सा है, वी, और कोण वी समकोण है, और कोण वी समकोण है, और कोण वी क्या है, समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, तो पाइथागोरस का सूत्र आप जानते हो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग। अब कर्ण, लंब, आधार मानो केवल आपको रखना है बस। अब कैसे रखोगे, ध्यान से आप देखना, देखो अब पहले कौन है, कर्ण है, तो आपको दिख रहा होगा कि कर्ण का नाम कौन है, एसी है, कर्ण जो है, कर्ण का नाम कौन है, एसी है, तो आप कर्ण में कौन लिख दोगे, एसी, कौन लिख दोगे, एसी, कितनी बार, 2 बार, बराबर का बराबर, लंब, तो आपको लंब का मान दिख रहा होगा, लंब कौन है, बीसी, लंब कौन है आपके पास, बीसी,
तो अब लंब कौन लिख दोगे? बीसी। कितनी बार? दो बार। प्लस का? प्लस आधार। आपके पास आधार कौन है? एबी। आधार कौन है? एबी। तो अब आधार कौन लिख दोगे? एबी। कितनी बार है? दो बार है। नाम लग दिए। थोड़ा सा एक चीज मिला लेना इसमें, एक लाइन भूल गया मैं, क्या लाइन भूल गया? यहां लिखना माना की, अब के ऊपर क्या लिखोगे? माना की। आपने जो मान माने वो लिख दो, क्या क्या माने आपने? एसी कितना माना? चार। एसी कितना माना? चार। देखो माना की एसी बराबर कौन है? चार। और बीसी कितना माना आपने? तीन। तो बीसी कितना मान लो आप? तीन। बीसी कितना मान लो आप? तीन। बस मानो को रखना था कि लाइन भूल गया था, केवल एसी आपने चार माना है, बीसी आपने तीन माना, ये लाइन आप जोड़ देना। अब सिंपल करना क्या है, एसी बीसी एबी के मानों को आपको रखना है। अब कैसे रखोगे ध्यान से आप देखना, ये आपके पास कौन है? एसी है। तो आपको एसी का मान कौन दिखाई दे रहा है? चार। एसी कौन है? चार। तो आप एसी की जगह कौन लिख दोगे? चार। कितनी बार? दो बार। बराबर ये कौन है? बीसी है। तो आपको बीसी का मान कौन दिखाई दे रहा है? तीन। तो बीसी कौन लिख दोगे आप? तीन। तो बीसी कौन लिख दोगे? तीन। कितनी बार? दो बार। प्लस का? प्लस एबी। तो आपको एबी तो निकालना है, एबी आपको निकालना है। तो एबी का क्या आपके पास? एबी। कितनी बार चल रहा है? दो बार। अब चार का वर्ग, तो चार का कैसे निकालते हैं? चार इंटू चार सोलह। बराबर का? बराबर। तीन का वर्ग कैसे निकालते हैं? तीन इंटू तीन नौ। प्लस का? प्लस। एबी स्क्वायर का? एबी स्क्वायर। सोलह का अपने पास कौन है? सोलह। नौ किसमें है? प्लस में। इस साइड किसमें आ जाएगा? माइनस। बराबर एबी स्क्वायर का एबी स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 कितना होता है? 7। बराबर आपके पास कौन है? ए बी का स्क्वायर। आपको ए बी का मान निकालना है, तो यहां करके ए बी स्क्वायर कहां जाएगा? आगे। और संख्या कहां पहुंच जाती है? पीछे, क्योंकि ए बी का मान निकालना है तो ए बी आगे लिखा जाता है, इसलिए हमने बदल दिया, ए बी स्क्वायर आगे लिख दिया, संख्या हमने पीछे लिख दी। ए बी का ए बी। 7 का कौन है? 7। जी वर्ग कम पहुंच जाता है वर्गमूल के ऊपर, वर्ग कम पहुंच जाता है वर्गमूल के ऊपर। अब सात का कुछ रूट खोल सकते हैं क्या? नहीं खोल सकते। क्यों? एक का वर्ग एक होता है, एक का उल्टा वर्गमूल एक होता है। दो का वर्ग चार होता है, चार का वर्गमूल दो होता है। तीन का वर्ग नौ होता है, नौ का वर्गमूल तीन होता है। पर रूट सात का अपने पास कुछ नहीं होता। तो हमारे पास एबी का मान कौन आया? रूट में सात आया। तो हम लास्ट में समझने के लिए हम लिख देंगे, आपको नहीं लिखना, मुझे समझाने के लिए हम लिख देंगे कि AB का मान कौन आए? रूट में 7। तो हम AB का मान कौन लिख देंगे? रूट में 7। अब आपको ज्ञात कौन कौन करना था? cos A का मान, tan A का मान आपको ज्ञात करना था। कौन ज्ञात करना था आपको? cos A का मान, tan A का मान ज्ञात करना था। तो हम ज्ञात करते हैं cos A का मान और tan A का मान, लिखते हैं अतः cos A और tan A। cos A बराबर और tan A बराबर। तो cos का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है cos का सूत्र? आधार बटे कर्ण। और tan का क्या होता है? लंब बटे आधार। सॉरी लंब बट, पंडित बद्री हर हर बोले, उसका उसका कौन होता है? लंब बटे आधार। लंब कौन होता है? लंब बटे आधार। अब इनके मानों को आपको रख देना है। बस देखो आधार और कर्ण का मान रखो। देखो आधार, आपके पास आधार कौन दिखाई दे रहा है? रूट में 7। आधार कौन? रूट में 7। आधार रूट में आपके पास कौन है? 7। कर्ण, तो आपको कर्ण का मान कौन दिखाई दे रहा है? 4। तो अब कर्ण कौन लिख दोगे? 4। अब लंब और आधार, लंब आपके पास कौन है? 3 है। आधार रूट में 7 है, तो लंब 3 लिख दोगे और आधार रूट में आप 7 लिख दोगे। तो इस प्रकार आपने तीसरा प्रश्न सीखा, इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, वो भी अपन सीखते हैं। देखो क्या बोला आपसे, अब 15 कोटे बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। आपसे क्या बोला है? 15 कोटे बराबर 8 है, तो वो दो व्यक्ति का मान दे रखा है, तीसरे व्यक्ति का मान निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। मान निकालने के बाद आप साइन ए का मान और सेक ए का मान आप ज्ञात कर सकते हो। कैसे करोगे ध्यान से आप देखना। पहले आप बनाओगे समकोण त्रिभुज, ये आपने कौन बनाया? समकोण त्रिभुज। नाम दिया ए, जे होता है वी, जे होता है सी। ये आपको पता है ये थीटा समझने के लिए मानते हैं। थीटा के सामने कौन होता है? लंब होता है। 90 के सामने कौन होता है? कर्ण होता है। वस्ताई कौन होता है? आधार होता है। ये मेरी फॉर्मूले वाली वीडियो आप देख सकते हो, लिंक में आपको मैं दे दूंगा, जब भी आप सीख पाओगे सूत्र कैसे कर पा रहे हैं अपन। लिखा हमने दिया है, लिखा आपने
दिया है, कॉमा लगाया। कह दे रखा आपको 15 कोटे बराबर 8, कह दे रखा आपको 15 कोटे बराबर 8, तो 15 कम पहुंच जाएगा बटे में भाग में, कोटे बराबर 8 का 8 है, इनके बीच किसी का चिन्ह किसका मानते हैं, गुणा का मानते हैं, तो 15 गुणा वाला कहां पहुंच जाएगा, बटे में यानी भाग में पहुंच जाएगा। तो कोटे कितना हुआ 8 बटे में 15, तो कोटे बराबर कौन है 8 बटे में 15। आपको कोट का सूत्र याद होगा तो ही आप आगे कर पाओगे। तो कोट का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार, आधार बटे क्या होता है लंब, आधार बटे क्या हो जाता है लंब, कोट का सूत्र क्या होता है आधार बटे लंब। तो आपको दिख रहा होगा कि सर आधार किसके बराबर है, 8 के बराबर है, तो आधार का मान कौन बोल सकते हैं हम 8, तो आधार कौन हो जाएगा हमारे पास 8। लंब किसके बराबर है 15 के बराबर है, तो लंब का मान कौन हो जाएगा 15, तो लंब कौन लिख दोगे 15। किसका मान निकालना है आपको, एसी का मान, किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, तो लिख दोगे आप आगे, अब समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में और कोण, कौन कौन सा अपने पास समकोण बी वाला, और कोण वी समकोण है, और कोण वी समकोण है, एक लाइन फिर दोबारा भूल गए, माना कि लिखना था यहां, लिख देना माना कि, क्या माना आपने, माना कि आपने ए बी कितना माना 8 माना, तो आप ए बी कितना लिख दोगे 8 लिख दोगे, उसके बाद आपने वी सी कितना माना 15 माना, तो वी सी कितना लिख दोगे आप 15 लिख दोगे, एक लाइन जोड़ देना आगे देखो। अब आप आगे कैसे करोगे, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, तो आगे आपने लिखा पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र याद होना चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या होता है आधार का वर्ग। अब हम सूत्र देख के लिखते हैं, आप कर्ण का मान कैसे लिखेंगे, आधार का मान कैसे लिखेंगे अपन, अब देखो एक मिनट रुकना बस, देखो आगे जी अपने पास कौन है, कर्ण है, तो देखो कर्ण का नाम, देखो कर्ण का नाम कौन दिखाई दे रहा है एसी, तो कर्ण कौन है अपने पास एसी, तो हम कर्ण क्या कौन लिख देंगे एसी, कितनी बार 2 बार, बराबर का बराबर, लंब तो आपको लंब कौन दिखाई दे रहा है बीसी, लंब कौन है बीसी, तो अब लंब कौन लिख दोगे बीसी, कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस, आधार तो आपको आधार कौन दिखाई दे रहा है ए बी, आधार कौन है ए बी, तो आप आधार कौन लिख दोगे ए बी, कितनी बार है 2 बार। अब देखो एसी को एसी बीसी ए बी के मान लगो जिसके मान आपको दे रखे हो, पहले कौन है एसी है, तो आपको दिख रहा होगा एसी तो आपको ज्ञात करना है, एसी आपको ज्ञात करना है, तो एसी का एसी सेम लिख दोगे आप, बराबर का बराबर, ये कौन है बीसी, तो आपने अभी देखा, आपने देख के लिखा बीसी का मान कौन है 15 है, बीसी का मान कौन है 15 है, तो आप बीसी के कौन लिखोगे 15, कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस ए बी, तो आपने ए बी का मान कौन रखा 8, ए बी का मान कौन है 8, तो आप ए बी का मान कौन रखोगे 8, कितनी बार 2 बार, ए सी स्क्वायर का ए सी स्क्वायर बराबर, आपको 15 को 8 के स्क्वायर खोलना है, तो 15 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 15 × 15 कितना होता 225, प्लस का प्लस, 8 का स्क्वायर निकालना है 8 × 8 64, आगे देखो आप एसी स्क्वायर का एसी स्क्वायर, अब 225 64 को आप जोड़ दोगे, 225 + 64 कितना होता 289 हो जाता है, एसी स्क्वायर का एसी स्क्वायर, सॉरी एसी का मान निकालना है 289, स्क्वायर वाला का पहुंच जाता है वर्गमूल पर यानी स्क्वायर रूट पर। आपको याद होना चाहिए कि 17 का वर्ग कौन होता है 289 होता है, वो 289 का वर्गमूल कौन हो जाएगा 17 हो जाएगा, जैसा हम जानते हैं 5 का वर्ग 25 होता है, 25 को उल्टा 5 होता है, इसी प्रकार 17 का वर्ग 289 होता है, वो 289 का वर्गमूल कौन हो जाएगा 17 हो जाएगा।
तो आपके पास एसी का मान कौन आया 17 आया। तो मैं साइड में लिख दूंगा समझने के लिए कि हमारे पास एसी का मान कौन आया 17 आया। अब आपको किस किस का मान ज्ञात करना था, साइन का और सेक का मान ज्ञात करना था, साइन का और सेक का। लिखोगे अतः साइन ए और सेक ए, अतः साइन ए बराबर और सेक ए बराबर। अब साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। और सेक का सूत्र जो होता है कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा पंडित बद्री हर 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 बोले कर्ण बटे आधार। सूत्र की ट्रिक होती है, ट्रिक मैंने आपको सिखाई, ट्रिक की हेल्प से सूत्र लिख रहा हूं, ट्रिक मैंने आपको 8.1 के 2 के 3 में सूत्र में सिखाई है, वो लिंक दे दूंगा वहां से आप देख सकते हो। साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण, सेक का सूत्र कर्ण बटे आधार। अब केवल मानों को आपको रखना है, लंब का और कर्ण का देख लो, लंब कौन है 15, कर्ण कौन है 17, लंब कौन है 15, कर्ण कौन है 17, कर्ण कौन है 17, आधार देखो आधार कौन है 8 है। तो अब आधार का मान कौन लिख दोगे 8 लिख दोगे, तो आपका साइन ए का मान भी ज्ञात हो गया और सेक ए का मान भी ज्ञात हो गया। लास्ट प्रश्न अपन देखते हैं, पृष्ठ कौन सा वाला 5वां वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम वही बोला है। अब देखो इसमें कौन थीटा आ गया, ए बोल दे थीटा बोल दे, हमें उससे कोई लेना नहीं, डब्ल्यू बोल सकता है जेड बोल सकता है, हमें केवल साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट से मतलब है। अब क्या बोला है सेक थीटा आपके पास कितना है 13/12, सेक थीटा कितना है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसका मतलब है सेक थीटा 13/12 बोल रखा है, दो व्यक्ति का मान है, तीसरा व्यक्ति का मान निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, उसके बाद आपसे बोला है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए मतलब होता है 6 के 6 अनुपात को ज्ञात करना है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट 6 के 6 आपको अनुपात ज्ञात करना है। अब कैसे करोगे ध्यान से आप देखना, पहले आप कौन बनाओगे समकोण त्रिभुज बनाओगे, तो हमने समकोण त्रिभुज बनाया, ए नाम दिया, वी नाम दिया, सी नाम दिया, ये अपने क्या बनाया समकोण बनाया। अब आप क्या करोगे लिखोगे सेम वैसे ही, दिया है, क्या लिखोगे आप दिया है कॉमा लगाओगे, क्या दे रखा है आपको सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। आपको सेक का सूत्र आपको याद होना चाहिए, सेक थीटा बराबर 13/12 कौन है 12 है, वो सब लोग जानते हैं अपन, ये कौन होता है लंब होता है, पिछली वीडियो में सीखा अपन ने अभी वही, ये कौन होता है कर्ण होता है, ये अपने पास कौन होता है आधार होता है। अब आगे देखो, अब सेक का सूत्र याद है क्या आपको, क्या होता है पंडित बद्री, कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार। अब कर्ण बटे क्या होता है आधार, अब कर्ण किसके बराबर है 13 के बराबर है, तो कर्ण का मान कौन हो जाएगा 13, तो हम कर्ण का मान कौन लिख देंगे 13। आधार किसके बराबर है 12 के बराबर है, तो हम आधार का मान कौन लिख देंगे 12, आधार का मान कौन लिख देंगे 12। हमें निकालना कौन है लंब निकालना, लंब यानी बीसी निकालना है, किसके द्वारा पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, लिखेंगे अब कॉमा लगाया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए वी सी में और कोण, कौन कौन सा समकोण वाला बी और कोण वी समकोण है, और कोण वी क्या है समकोण है, किसके द्वारा पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, तो कॉमा लगाया पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। अब पाइथागोरस प्रमेय का आपको सूत्र याद होगा तो यह मानों को निकाल पाओगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या होता है आधार का वर्ग। तो हमें क्या करना है लंब कर्ण आधार के नाम जानने हैं कि लंब कौन होता है कर्ण कौन होता है आधार कौन होता है। पहले आपके पास कौन है कर्ण है, तो आप देख सकते हो कि कर्ण का नाम कौन है एसी, कर्ण का नाम कौन है एसी, तो आप कर्ण की कौन लिख दोगे एसी, कितनी बार 2 बार बराबर। ये कौन है लंब है,
लंब का नाम कौन है? बीसी। लंब का नाम कौन है? बीसी। तो आप लंब में कौन लग दोगे? बीसी। कितनी बार चल रहा है वही? दो बार। प्लस का? प्लस। ये अपने पास कौन है? आधार है। तो आधार का नाम अपने पास कौन है? ए बी है। तो अपन आधार की कौन लिख देंगे? ए बी लिख देंगे। कितनी बार? दो बार। एक लाइन है दोबारा जोड़ लेना, कोई भूल गया दोबारा से। सेम लाइन को अलग से लाइन जोड़वा रहा हूं कि वैसे आप जोड़ो तो भी सही, नहीं जोड़ो तो भी सही है। माना कि आपने क्या माना? एसी कितना माना आपने? 13 माना। तो आप एसी कितना लिख दोगे? 13 कॉमा। ये लाइन आप जोड़ो तो भी सही, नहीं जोड़ो तो भी सही है। ए बी आपके पास कौन है? 12 है। ए बी आपके पास कौन है? 12 है। लिख दिया आपने एसी 13 माना, ए बी आपने 12 माना। किसका मान निकालना है? बीसी का। तो बीसी का मान निकालते हैं हम। आपके पास कौन लिख रहा है? एसी। तो आपने अभी देखा आपके पास एसी का मान कौन है? 13 है। तो आप एसी की कौन लिख दोगे? 13। कितनी बार? दो बार। बराबर का? बराबर। ये कौन है? बीसी है। तो आपको दिख रहा होगा बीसी कुछ है क्या? नहीं। बीसी का आपको मान निकालना है, तो आप बीसी की बीसी लिख दोगे। कितनी बार? दो बार। प्लस का? प्लस। ए बी, तो आपने ए बी का कितना माना? 12। तो आप ए बी के कौन लिख दोगे? 12। कितनी बार? दो बार। अब 13 का वर्ग आपको याद होना चाहिए। 13 का वर्ग कैसे निकालते हैं? 13 × 13 कितना होता है? 169। बराबर बीसी वर्ग का बीसी वर्ग प्लस 12 का वर्ग निकालो। 12 का वर्ग कैसे निकालो? 12 × 12 144। 169 का कौन आपके पास? 169। 144 अभी किसमें है? प्लस में। 67 किस में आ जाएगा? माइनस में। बराबर का? बराबर। बीसी वर्ग का बीसी वर्ग 169 × 144 घटाएंगे कितना बचेगा? 25। बराबर कौन चल रहा है? बीसी पर वर्ग। कितनी बार? दो बार। बीसी का मान निकालना है तो यहां करके बीसी वर्ग कहां जाएगा? आगे। और 25 संख्या कहां पहुंच जाएगी अपने पास? पीछे। बीसी का मान निकाल सकते हो आसानी से आप। बीसी का बीसी, 25 का 25। ये क्या है? वर्ग। वर्ग कहां पहुंच जाता है? वर्गमूल पर। अभी मैंने आपको सिखाया था कि 5 का वर्ग कौन होता है? 25। और 25 का वर्गमूल कौन हो जाएगा अपने पास? 5 हो जाएगा। तो बीसी का मान कौन आया अपने पास? 5 आ जाएगा। 25 को उल्टा 5 हो जाएगा। बीसी का मान कौन आया? 5 आया। अब मैं समझने के लिए पीछे लिख रहा हूं कि बीसी का मान कौन आया? 5 आया। अब से बोला था तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। पूरे 6 के 6 ही निकालना है। 6 में किसको छोड़ना है? जिसका मान दे रखा उसको छोड़ दो। किसका मान दे रखा है? सेक का मान दे रखा है। सेक को छोड़ के कितने बचे? 5। वो आपको निकालना है। सेक का क्या निकालना? सेक का आपको मान दे रखा था। लिखोगे अतः, क्या लिखोगे आप? अतः लाइन बाय लाइन लिखोगे। सूत्र क्या होता है? साइन थीटा साइन कॉस टेन कॉस एक, फिर सेक और कॉट होता है। सेक को छोड़ो, सेक दे रखा है, लास्ट में लिख दो कॉट थीटा। इनका सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कॉस का आधार बटे क्या होता है? कर्ण। और टेन का क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और कोसेक का क्या होता है? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और कॉट का क्या होता है अपने पास? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इनके मानों को रखना है। अब मैं समझने के लिए एक बार पीछे लिख देता हूं। बराबर कब तक पलटेंगे तो एक बार पीछे लिख देता हूं समझने के लिए। आप लोगों को नहीं लिखना। क्या लिख रहा हूं मैं कि कर्ण 13 है, लंब 5 है, आधार कौन है? 12 है। कर्ण कौन है? 13 है। साइड लिख रहा हूं समझने के लिए। कर्ण, आधार और अपने पास कौन है? लंब है। कर्ण, आधार कौन अपने पास? लंब है। अब देखो कर्ण 13 है, लंब 5, आधार 12। कर्ण 13 है, लंब कितना था? लंब 5, आधार 12। लंब 5, आधार 12। अब मानो को सिंपल आपको रखना है, बस दे रखते हैं अपन। देखो लंब 5, लंब कौन है? 5। कर्ण कौन है? 13। आधार कौन है? 12। आधार कौन है? 12। कर्ण कौन है? 13। कर्ण कौन है? 13। लंब कौन है? 5। लंब कौन है? 5। आधार कौन है? 12। आधार कौन है? 12। कर्ण कौन है? 13। तो कर्ण कौन है? 13।
लंब, लंब कौन है? पांच। लंब कौन है? पांच। आधार कौन है? बारह। आधा कौन है? बारह। लंब कौन है? पांच। लंब कौन है? पांच। इस प्रकार डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में तीन क्वेश्चन सीखे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। वीडियो अच्छी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।